फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश यू। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आफ्टरनून टाइम है बट ऐसे लग रहा है इवनिंग हो गया, बाहर धूप बिल्कुल निकली है। इस बार मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्रायर होने के बाद भी 2 दिन लग गए बाहर प्रॉपर सूखने में। और मैं शिवी नाई नहीं करके और शिवी अपने पापा का सॉक्स, नया वाला सॉक्स का पैकेट जो खुला था उसमें 2 सॉक्स निकाल करके, और देखो कैसे घूम रही है। ये कैसे घूम रहे हो? ओ ओ सबसे प्यारा कौन है? और शिवी ने भी नाई नहीं करवा के पहले तेल लगवाया, तेल लगाने। हाँ आप ही हो सब सुन लो भाई, सबसे प्यारा कौन है? हमारी शिवी है। शिवी के लिए कमेंट कर दिया करो कि सबसे प्यारा कौन है, तो आप लोग लिख दिया करो शिवी, ठीक है ना? शिवी खुश हो जाएगी। तो एक्चुअल में मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, जो झाड़ू बेसिक और पोछा होता है। अब मैं पोछा ऑल्टरनेट डेज पे लगाती हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो गई है और पूरा घर पूरे दिन बंद भी रहता है। और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा है जो कि मैं ऊपर ही रखती हूँ, अब मैं कहीं नीचे रखती हूँ तो शिवी तोड़ देती है। बल्कि मेरा वो आपको दिखा दे कैमरे में कौन है? ओके, मैंने नई टी शर्ट पहनी है ना, उसपे वो ये लिखा हुआ है, तो ये सिल्वर से तो ये अट्रैक्ट हो रही है कि क्या लिखा हुआ है, उसको मैं निकाल लूं। और शिवी ना देखो कितनी प्यार से चोटी करवा रही ना बेटा। शिवी ने पहले तो पता है पूरे बॉडी में मसाज करा के, जो मैं सरसों के तेल से मसाज करती हूँ, लहसुन लहसुन डाल करके मसाज करा के प्रॉपर तरीके से अच्छे से रानी बेटी की तरह करवा के, और फिर नहाई मम्मी के साथ कर ली। देन उसके बाद मैंने कहा अब मैं सर पे तेल लगा देती हूँ, रात में लगाई थी, बट पता नहीं क्यों शिवी के पीछे की तरफ बात, उनमें तेलों की ज्यादा जरूरत है। रात में भी कितना भी लगा के सुला दो, सुबह उठते पता नहीं वो तेल कहाँ चला जाता, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने फिर से पूरे सर पे तेल लगाया नहाने के बाद, जब इनके बाल सूख गए, क्योंकि प्रॉपर सूख जाना चाहिए। तो अभी नहाने मतलब 2 घंटे हो गए इनको नहाए हुए, मुझे इनको हो गए हैं। तो दोनों ने फटाफट नहा करके और उनको मैंने ऑयलिंग की, तो तेल लगा के और फिर चोटी कर दी, क्योंकि बिना तेल के चोटी करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये कराती नहीं है। तेल से बहुत इजिली कंघी ना चली जाती है, तो आराम से हो जाती है। और जिस दिन शैम्पू करती है उस दिन बाल बहुत अच्छे लगते हैं शिव के। और यहाँ पे देखो मैडम ना एक्चुअली टीवी में ना ये एड आ रहा है, ठीक है? ये देखिए, ये मैं न्यूज सुबह सुबह उठती हूँ, मैं पता है डेली सुबह चाय के साथ ना जब मिस्टर चले जाते हैं और मैं शिवी सो रही होती, तो उस बीच में मैं गर्मा गर्म, क्योंकि मुझे चाय गर्म पीने का मन करता है, तो मैं एकदम शिवी जब सोती मैं तभी चाय पीती हूँ। तो मैं गर्म गर्म चाय बना के सबसे पहले मैं चाय लेती हूँ और चाय के साथ मैं बैठती हूँ टीवी देखने और न्यूज चलाती हूँ। टीवी में कुछ नहीं, सिर्फ न्यूज चलाती हूँ। बेटा तो न्यूज चलाती हूँ, न्यूज में मुझे कभी भी अच्छी न्यूज सुबह सुबह सुनने को नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घमासान सुनने को मिलता है। और अभी शिवी ने मेरा पीछे वाला पूरा कमरा जो है ना, मैंने चादर वादर लगाई थी, सब बिखेर दिया। उसको कौन लगाएगा बताओ, उसको कौन लगाएगा? आपने ऐसा क्यों किया आपने? तो अभी तो मैं जा रही हूँ लंच के लिए रात की बची है थोड़ी सी पालक पनीर, तो सोच रही हूँ पालक पनीर के साथ मैं पराठे बना लेती हूँ। पालक पनीर खाओगे? बच्चों को पालक पिलाया करो, सबको बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो, कह दो बाय। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा बन गया है लंच, और देखिए ये रही पनीर और पालक पनीर रात की है, इसको मैंने गरम कर ली है और गर्मा गर्म पूड़ियां बना ली है, शापन पूड़ियां बन गई है। और मैं शिवी खाने जा रही हूँ क्योंकि शिवी को पूड़ी बहुत पसंद है, बहुत मीन्स बहुत वाली पसंद है। बाल मैंने बांध दिए थे क्योंकि किचन में आने के बाद बाल लगता है, बांध करके ही काम करो। और ठंड सच में बहुत हो रही है, दोपहर का वक्त है, बट मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं बाहर का, तो देखिए अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, घर में लाइट जला के ही काम करना पड़ रहा है, अंधेरे में नहीं। और कभी आप लोगों ने, मैं एक छोटी सी बात, वैसे मैं बातें बहुत करती हूँ ना, आप लोगों को पता नहीं पसंद आता होगा कि नहीं, बट मैं आप लोगों से एक बात, कभी ऐसे सब्जी बनाओ, पालक पनीर हो गई, छोले हो गए, मटर हो गए, या कोई सी भी आलू टमाटर की भी स्पाइसी से सब्जी बनाओ, वो से उस दिन खाओ आपको वो टेस्ट अच्छा लगेगा, बट उसके नेक्स्ट डे जब खाओगे ना, एक दिन पुरानी हो जाएगी, मतलब आप बासी कह सकते हो, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ही अच्छी टेस्टी निखर के टेस्ट आता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट ऐसे कोई मैं रसीली सब्जी बनाती हूँ तो मैं राइस के साथ खाती हूँ, बट अभी मैं राइस इसलिए नहीं बना रही, खाने का मन था वैसे, हालांकि राइस ये पालक पनीर के साथ बहुत टेस्टी लगता है। मुझे कढ़ी भी ऐसे नेक्स्ट डे ज्यादा अच्छी लगती है, फ्रेश इतनी नहीं अच्छी लगती जितनी नेक्स्ट डे अच्छी लगती है।
तो ये आप बताइएगा कि आप लोगों को इसे चाहे आप बासी खाना कहिए या जो भी कहिए, खाना खाना होता है, खाना बस खराब नहीं होना चाहिए। और ठंडे में तो खैर खराब बिल्कुल जल्दी नहीं होता, चाहे आप बाहर को अंदर को, मैं फिर भी फ्रिज में रखती हूँ। बट गई थी कल, एक कटोरी सब्जी बच गई थी। मैं रात में कुछ भी ऐसी ग्रेवी या कुछ ऐसी सब्जी बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ तो मैं हमेशा नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे बहुत कम टाइम मिलता है शिव के साथ काम करने का, घर के काम हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि खाना मैं बना दूँ, तो इसलिए मैं खाना हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, ताकि इनकेस कुछ भी होता है तो मैं इमरजेंसी में बना के खा लूँ। तो अभी भी कोई इतना वो नहीं, अभी भी दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मुझे अब खाना मिल रहा है, तो मैं जा रही हूँ शिवी के साथ ये थाली शेयर करने। मैंने लव मैरिज भी की तो ऐसे लड़के से, यार एक ऐसे लड़के से करती, ऐसे लड़के से, वही तो बताने दो, ऐसे लड़के से करती जो मुझे अच्छा अच्छा बना के खिलाता है। या शेफ से करनी थी शादी, लव मैरिज भी ना, आप लोग समझ लो जो लव मैरिज करना चाहता है ना वो किसी शेफ से करना। लड़कियों कान खोल के सुन लो, जो घर में अच्छा खाना बना के खिला सके, सबसे कठिन काम प्राणी से पूछ लेना कितना खाना मिलता है घर पे बैठ के। मिलता होगा है ना प्राणु, बताना प्राणु जरूर बताना। उसकी तो जॉब ही है ऑफिस वहाँ की, पूरी वहाँ पूरी जॉब करके फिर घर पे खाना बनाएगा यार। दो लोगों में इतना नहीं पता चलता ना, अब ये मत कहना जब बना देगा यार, आज मन नहीं कर। बनाते नहीं दो खाना? बना तो मैं ऐसे बोला, मैं वही कह रही हूँ लव मैरिज करनी है ना तो सोच समझ के करना कि पति। आज पहले लोग पूछते थे ना लड़कियों से क्या क्या आता है तुम्हें, अब आप लोग पूछना लड़कों से। खाना बनाना आता है, झाड़ू करना आता है, पोछा करना आता है। आजकल लोग पता क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं विक्रम कि लड़के घर का काम करते हैं, मतलब कि मतलब लड़कियां जो है ना वीक होती जा रही है, इसलिए लड़के घर का काम कराते नहीं तो घर ना चले। और जो लड़कियां बाहर कमा कर आती हैं वो क्या होता है फिर, वो उसके लिए कोई मुंह नहीं खोलता। जॉब जब लड़कियां जॉब करके घर पे भी आके काम करती है उसके लिए कोई मुंह नहीं खोलता कि हाँ यार वो लड़की घर पे घर भी संभाल रही है बाहर जॉब भी कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये वो तो उसका फर्ज है। लोगों की सोच ही तो है जो लड़कियों के लिए वुमेन्स डे मनाती है। हाँ ठीक है, और फिर वुमेन्स डे मनाने का आप ये कहते हैं एक ही दिन का वुमेन्स डे होता है? नहीं, हर जगह पे चिल्लाएंगे हम लड़कियों को समान अधिकार देना चाहते हैं, समान अधिकार देना चाहते हैं। और घर की लड़की उनकी कहे पापा मैं आज ये वाले नए कपड़े खरीद लिए, ये वाले कपड़े पहन लो मैं आज। नहीं नहीं बेटा ये वाले कपड़े नहीं, ये वाले कपड़े बहुत खराब है, ये कपड़े नहीं पहनते। लड़का कुछ ही पहनते, लड़की कुछ नहीं पहने। एक सेकंड गाइस, तारों से तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है, कौन है? कुहू डांस कर दो, कुहू, ओ कुहू बेटू एक बार डांस करके दिखा दो। सेलिब्रेटिंग द मॉर्निंग।
मैंने बना ली है मटर पुलाव, तहरी, उफ खिचड़ी, उफ जिसके जो कहा जाता है वो, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी और शाम को ये ले आए थे चाय के साथ कुछ बाहर से, वो पनीर वाला एक बार स्ट्रीट फूड वाला बर्गर दिखाया था ना वो, तो ये बर्गर ले आए थे और वो बर्गर बहुत ही टेस्टी भी होता है और हैवी भी होता है, तो हमने चाय के साथ वो खा लिया था। तो फाइनली फिर कुछ मन नहीं हुआ कि क्या खाए, बहुत हैवी वेट हो रहा था, तो मैंने कहा मैगी नहीं बनाती हूँ, तहरी बना लेती हूँ क्योंकि शिवी भी खा लेगी तहरी, तो तहरी बना ली है, अभी खाया नहीं है। अभी तो यहाँ पे देखिए नीचे ब्लैंकेट लगा करके और मूंगफली खाई जा रही है और शिवी भी उड़ गई है। शिवी का डांस आप लोग देखिए, आजकल शिवी डांस बहुत करने लगी है, बहुत मस्ती करने लगी है, तो मुझे लगा कि चलो चलो। और कुछ हम बातें कर रहे थे मगर बातें करते करते फिर अचानक से हम चले गए और ठंड सच में बहुत हो गई है। आज दिल्ली में टेम्परेचर है कितना, 8 डिग्री था ना, हाँ 8 डिग्री था ना। मैं का करू ना, मुझको बुढ़ा मिल गया। और किसी ने मुझसे बोला था शिवी को खाली इन्हें में ठंड नहीं लगती होगी, तो मुझे भी बाद में रिलाइज हुआ कि लगती तो नहीं, वैसे नहीं लगती सच्ची बताऊं तो, क्योंकि ये इनर काफी मोटा है, फिर भी मैंने टी शर्ट इसके ऊपर पहना दी है क्योंकि ये लड़की ये इनर पहनने में, खैर बच्चे तो नाटक करते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको पहनाएं, है ना, बट ये स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनती, तभी तो मैं इनर इसलिए लेकर आई थी कि वो टी शर्ट जो होती है ना वो थोड़ी लाइट होती है तो ये थोड़ा गर्म होता है, तो उसको पहना देती हूँ। और अभी मैडम जो है वो मूंगफली खा रही है अपनी डैडी के साथ और ये मूंगफली खा लेती है, बस ये है कि थोड़ा मूंगफली खा के कितनी खुश हो रही है देखो, और मूंगफली को मतलब उसका ना अगर हम लोग खाने में बिजी हो जाएंगे और नहीं खिलाएंगे तो उसका जो छिलका होता है ना वही उठा के खा लेती है, तो इसलिए हम ध्यान देते हैं कि नहीं मूंगफली जरूर खिला दें। तो मूंगफली अभी ये थोड़ा खा पी रहे, यही खा रहे, मैं तो नहीं खा रही, मेरा पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद तैयारी खाऊंगी और फिर बस बाकी तो बर्तन धुले हुए, फिर खाने के जो जूठे होंगे वो धुलने हैं। और मुझे लगा चलो वीडियो यहीं एंड कर दूं। और कुछ आप कहना चाहते हैं मिस्टर, जो ये चल रहा है ये अभी न्यूज देख रहे थे हम, हाँ दिल्ली में जो हंगामा हुआ है, और ये टैडी शिवी ने गिरा दिया तो आप लोग ऐसे इसको सो रहा है वो, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? मैं अगले इतना कह रहा हूँ कि दूसरे के भड़काने मत हो, अभी भी कह रहा हूँ दूसरों के भड़काने मत जाओ, हाँ दिमाग से दिल से काम लो। और यार लड़ाई झगड़े करके क्या फायदा, कुछ नहीं मिलना है किसी को, आप चाहे वो उधर से पार्टी हो चाहे उधर की पार्टी हो, लोग पता है एक दूसरे को इल्जाम ही लगाने में लगे, कोई सॉल्यूशन नहीं देता, सही बताऊं तो अपने देगा ही नहीं। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं मिलता एक दूसरे पे, जब कुछ भी ऐसे केसेस होते हैं ना तो दोनों पार्टी आकर खड़ी हो जाती है, वो इस पे इल्जाम लगाता है वो इस पे, और जो आम जनता होती है ना बेचारी वो पिसती है हमेशा। ये जो बिल की बारे में बात चल रही है आजकल, जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, इस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं, मेरा पूरा बिल पड़ा है उसका, अमित शाह वाला उसका पीडीएफ फॉर्म उन्होंने डाला ट्विटर पे उस दिन। देखो मैडम लीड मिल गई ना लीड, बस हाँ क्या बोल रहे थे ट्विटर पे था उसका बिल पड़ा था, हाँ तो बिल मैंने पढ़ा था, 100 घंटे पढ़ा था पूरा बिल उसका। उस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो रहने वाले मुसलमान हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उनसे कागजात डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उसमें फिर इतना था कि 2014 के बाद से जो लोग इंडिया में शरणार्थी बनकर आए हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी, ठीक है। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी लेकिन उनमें जो हिंदू मुसलमानों के अलावा जो भी हैं वो अगर है तो उन्हें जल्द से जल्द दे जाएगी, बाकी मुसलमान भी अगर अपने तरीके से अप्लाई करेगा तो उसे भी मिली जाएगी नागरिकता, वो डॉक्यूमेंट के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करेगा जो भी होगा। मेरा मानना है ना, इसमें थोड़ा कंसर्न ये है, ये इसलिए बोला जा रहा है क्या बोल रहे थे आप, सॉरी शिवी ने डिस्टर्ब कर दिया। बिल के बारे में बताया था मैंने आपको, इसके रिगार्डिंगली फिर आप जो भी सारा कंसर्न है वो सारा क्लियर हो जाएगा छोटा। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप बिल सर्च करिए, सीएबी के नाम से बिल है पूरा, सीएबी के नाम से सिटीजन अमेंडमेंट बिल, हिंदी में नागरिकता संशोधन बिल, लेकिन उन लोगों के लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, पुराने जो इंडियंस हैं उनके लिए बिल नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसका, पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कू क्या कर रहे हो आप, गोल गोल घूम करके चक्कर खा के बैठ जाती है, फिर घूमती है फिर बैठ जाती है, गोल गोल घूमना आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़ाई झगड़ा ना करिए, किसी को मारा पीटी मत कीजिए,
और हम तो नहीं कर रहे, बट वो भी जो हो रहा है दिल्ली में इस वक्त, और गाड़ी जलाना, बस जलाना, तोड़ना फोड़ना किसी की भी पार्टी की तरफ से, वो गलत है। और मैं देख रही हूँ आजकल फेसबुक पे लोग एक दूसरे को टैग करके और दूसरी किसी भी रिलीजन को गाली देना गलत है, किसी भी, ये बहुत गलत है। फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे जो वीडियो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, मतलब कि अगर कुछ बात है कुछ और वीडियो में, उस वीडियो का आधा काट के कहीं और चिपका दे रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा गलत किया जा रहा है, कोई कहीं पे लांछन लगा रहा है, कोई कहीं पे लांछन लगा रहा है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को पूरा देखिए और कहीं फॉरवर्ड मत कीजिए। आप वीडियो देखकर आपको जज करना है उसमें क्या है, आपको और मेरे हिसाब से किसी को गाली मत दीजिए, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम को ना दे, चाहे मुस्लिम हो वो हिंदू को, गाली देने से कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा लड़ेंगी, लड़ेंगी, वो हमेशा लड़ेंगी, हो जाएंगी। हाँ, और ये जो आम जनता है ना, वही दरार आएगी ना, हम आपस में लोगों के बीच में भाई लोग हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने सारे साथ रह रहे हैं, उनमें आएगी, उनमें आपस में दरार आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होना इसमें। तो पता है मैं देखती हूँ, मैंने फेसबुक पे देखा था विक्रम, लोग ना इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं एक दूसरे की रिलीजन को, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, नहीं होना चाहिए। ट्विटर पे लड़ाई हो रही है, ब्लॉक मार देती हूँ अगर कोई ऐसे गाली वाली लिखता है, चाहे किसी भी रिलीजन को भी लिख रहे हो तो गलत है, चाहे किसी भी, मैं ये नहीं करी सिर्फ हमारे रिलीजन में होना हो या किसी के भी, यार नहीं, आप में आप समझो ना, किसी को गाली दे रहे हो मतलब आप अपनी फैमिली को ही गाली दे रहे हो, इतना समझ लेना। और सीधा तो कोशिश के लिए इन चीजों के डिस्कशन से बचिए, बचिए। हाँ, कोई पता नहीं है, आप सही जानकारी भी दोगे ना तो कई लोगों को वो गलत लग रही है, लग रही है, क्योंकि जाहिर बात है जो अपोजिट खड़ा है उसे तो गलती लगेगी ना, उसको सही कहाँ लगेगी, उसको तो गलती लगेगी। एक्चुअली अगर लॉजिकल नहीं देख रहे हैं, कई लोग, बहुत सारे लोग हैं लॉजिकल नहीं देख रहे उन चीजों को, जब तो लॉजिकल देखा नहीं होगा नहीं, और जो चीज होनी है वो तो होनी है, होनी है, ठीक, अब जो होगा तो देखा जाएगा। बाकी जो दिल्ली में है, और मेरा ये मानना है कि इस वक्त क्रिसमस न्यू और वो सब है, तो आप लोग दिल्ली के इलाके के जितने भी आसपास के लोग हैं, मत घूमिए, मत जाइए, एक फेस्टिवल नहीं मनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी अपना प्लान कैंसिल कर दिया। सबसे गुजारिश है, जब भी आप घर से निकले, थोड़ा सोच समझ के, किसी भी शहर में आप रहते हैं, जब भी आप घर से निकले उससे 15 मिनट के लिए अपना टीवी ऑन कर लीजिए, जो चैनल आप देखते हैं वो लगा लीजिए, अगर उस पर अपडेट आ रहेगा आपको क्या कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है, क्योंकि आजकल कब क्या हो जाए कुछ लगे, भीड़ भाड़ है या कुछ ऐसा दंगा वाला ऐसा सीन लग रहा है, तो भी आपसे गुजारिश है आप अपने आप को सेव करिए और आप जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे। हाँ, ऑफिस भले ही मिस कर दीजिए एक दिन का, लेकिन अपने घर पहुंचे, और जरूरी नहीं है एक बार नहीं घूमेंगे, एक बार लगते हैं सारे बिल के विरोध कर, एक बार आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे, नया साल नहीं मनाएंगे तो चल जाएगा, हमने खुद अपने प्लान कैंसिल कर दिए, हमारे कई सारे प्लान कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये सारे ड्रामा सेफ रहना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ घूमना। हाँ, घूमना, भैया हम घूमते रह जाए तो पता नहीं, और इस वक्त तो भैया कश्मीर में और वहां पे कितनी बर्फ पड़ रखी है, जम्मू में, और अभी वहां पे कहाँ का दिखा रहे थे हम, कहाँ गए थे, शिमला में वो कौन सा रोड था, मॉल रोड, कितनी ज्यादा बर्फ वहां पे, जहाँ पे हम घूम कर आए थे वहां पे बर्फ ही बर्फ हो रखी बहुत ज्यादा। और मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला भी था नैनीताल आओ बर्फ बहुत है, बट शिवी तो मेरी वैसी कपड़े पहनने में इतनी वीक है कि अगर मैं बर्फ में ले गई तो वो जम भी जाएगी, हमें भी जमा देगी, तो अभी हम इसलिए कहीं नहीं जा रहे ठंड के वजह से, दूसरा ये जो ड्रामे चल रहे हैं इसके वजह से, और पानी घर का इतना ठंडा आ रहा है, किचन में बर्तन धुले में हालत खराब हो जा रही है, मेरे तो हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं, लगता है कि अगर कोई मेरा दुश्मन है ना तो मैं उसको यहाँ ला करके पनिशमेंट दे सकती हूँ, रात में नहला दूँ उसके सारे कपड़े उतार के, एक मग का पानी ठंडा डाल दो, सारी दुश्मनी पानी पानी में हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, खाना खाते हैं हम अकेले आपस में, और कोई बाय करने आ गया, ये देखिए मैडम, ये सबसे प्यारा कौन है, कौन है, मूंगफली खा रही है इसलिए बोलेगी नहीं, अभी अभी मुंह में मूंगफली है, तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए।